नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के सबसे शानदार फेस्टिवल आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। हर बार की तरह इस आईपीएल में भी कई रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप से नवाजा जाता है। आज की इस वीडियो में हम 2008 से 2023 तक के ऐसे सभी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे जिन्हें ऑरेंज कैप से नवाजा गया है। आईपीएल के पहले सीजन यानी कि 2008 में ऑरेंज कैप के विजेता शॉन मार्श थे, जिन्होंने पंजाब की ओर से खेलते हुए 11 मैचों में 616 रन बनाए थे। आईपीएल के दूसरे संस्करण यानी कि 2009 में ऑरेंज कैप के विजेता मैथ्यू हेडन रहे, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 12 मैच खेलकर 573 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2010 में ऑरेंज कैप के विजेता क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर रहे, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से 15 मैच खेलकर 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप हासिल की। साल 2011 में ऑरेंज कैप के विनर क्रिस गेल रहे, इन्होंने आरसीबी की ओर से 12 मैच खेलकर 608 रन बनाए। साल 2012 में क्रिस गेल ने आरसीबी की ओर से 14 मैच खेलकर 733 रन बनाकर ऑरेंज कैप दोबारा हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर माइकल हस्सी ने 2013 में सीएसके की ओर से 17 मैच खेलकर 733 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। साल 2014 में रॉबिन उथप्पा ने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से 16 मैच खेलकर 660 रन बनाए और ऑरेंज कैप हासिल की। साल 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने 14 मैच खेलकर 562 रन बनाए एवं ऑरेंज कैप जीती। साल 2016 में भारत की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने आरसीबी की ओर से 16 मैच खेलकर 973 रन बनाए। 973 रनों का उनका यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। साल 2017 में फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर ने 14 मैचों में 641 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। साल 2018 में केन विलियमसन ने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 17 मैच में 735 रन बनाए एवं ऑरेंज कैप का खिताब जीता। साल 2019 में डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए 12 मैचों में 692 रन बनाकर तीसरी बार ऑरेंज कैप का खिताब जीता। आईपीएल 2020 में केएल राहुल ने पंजाब की ओर से 14 मैच खेलकर 670 रन बनाए एवं इसी के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप का भी खिताब जीता। साल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 16 मैच खेलकर 635 रन बनाए एवं इसी के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप का खिताब जीता। साल 2022 में जोश बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से 17 मैच खेलकर 863 रन बनाए। इसी के साथ बटलर ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से पहली बार ऑरेंज कैप का खिताब जीता। साल 2023 में शुभमन गिल ने गुजरात की ओर से 17 मैच खेलकर 890 रन बनाए और आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप अपने नाम की। तो दोस्तों, ये थी साल 2008 से 2023 तक के ऑरेंज कैप विनर की लिस्ट। इन सभी खिलाड़ियों में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।